हम देख भी पा रहे अपने दर्शकों तक हर एक सीट की सटीक जानकारी सबसे पहले, लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीट नारायणपुर केदार कश्यप, यहां पर शुरुआती रुझान उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे। बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप 280 मतों की लीड उन्होंने यहां से ले ली है। बड़ी खबर है नारायणपुर, नक्सल प्रभावित इलाका, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी पर ऐसा लग रहा है भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए धरमलाल कौशिक छत्तीसगढ़ से। जया, ये भी खबर मिल रही है कि धरमलाल कौशिक जी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे चल रहे हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं बिल्ला जो सीट है वहां से बीजेपी प्रत्याशी धरमलाल कौशिक आगे चल रहे हैं। ये बिल्हा विधानसभा सीट, सर बिल्हा विधानसभा, बिल्हा बिल्हा बिल्ला हो गई है वो जी, बिल्हा बिल्हा विधानसभा सीट है, तो बिल्हा विधानसभा सीट से धरमलाल कौशिक आगे चल रहे हैं। अंबिकापुर से सिंहदेव लगातार आगे बढ़ने के रुझान बड़े नेताओं के सामने आ रहे हैं। अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव 617 मतों से आगे हैं, कैलाश विजयवर्गीय 1480 और मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3100 मतों से आगे। तो लगातार अरुण साव का अपडेट मिल रहा है, अरुण साव आगे चल रहे हैं अपनी विधानसभा सीट से, लोरमी से अरुण साव आगे चल रहे हैं। और अरुण साव जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ इस बार सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ पर हैं साहब, और देखिए रुझान भी बता रहे हैं कि मुकाबला जो है टक्कर का है। सबसे बड़ी बात, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रुझान स्टेबल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये रुझान ठहर रहे हैं, और क्या ये रुझान आगे की कहानी कह रहे हैं। थोड़ा और रुकना चाहेंगे जया हम थोड़ी देर। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो यहाँ पर पहुंचे भी हैं, आपने विधानसभा क्षेत्रों को देखा भी है, और क्योंकि हम जो एग्जिट पोल्स लगातार बार बार यही कह रहे हैं कि जो पोल्स हम देख रहे हैं कम बैक जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किया है वो वाकई में चौंकाने वाला और कमाल का असर, कड़ी टक्कर यहाँ पर। देखिये अभी जो रुझान दिख रहे हैं, अगर आप मुझसे अनुमान लगाने के लिए कहेंगी तो